देखियो फिर मैं बातचीत करूं और वो डिपार्टमेंट वाले भड़क जाए, बोला जी सरकारी काम में बाधा डाल दी, डरदा घुंतारी बाधा थे, जितने केस लागे उतने लगवा लियो, खुली छूट है। के कोई रॉकेट साइंस लगेगी के बढ़ने खातर के भाई चांद पे तो कोई वैज्ञानिक बुलाने पड़ते हो जब होता हूँ, ठीक है। धारा 188, 186, 290 जोन से भी व्याकरण नहीं सब लगवा देना, सरकारी काम में बाधा डालनी यही होती है, मैं आपको बता दूंगा जी। तो इसमें ठेकेदार बताओगा मेरे को, ठीक है, जो होगा मैं तो ये सेटिंग निकालूंगा, गाटर निकालूंगा। व्यक्ति के ये अंडर के अंदर आता है क्या, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए? अभी तक 5 महीने से वो बंदा इस डिपार्टमेंट का होकर इसको ठीक नहीं करवा पाया, क्या विकास करता हो, क्या काम करता होगा वो कुर्सी के ऊपर बैठा? ना कुछ ही को नहीं करता काम, ये देख लो एड है जो के काम करा था, छोटे से गड्ढे को लेकर उनका भी टाइम की फजीहत करनी पड़ेगी और हमारे टाइम की फजीहत करनी पड़ेगी। मुद्दा जो है वो 1-2% के इस गड्ढे का है जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसको मात्र 1 घंटे के अंदर अगर ढंग से भरवाना के ऊपर आए ना तो भरवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं भरा आप खुद बताओ। 5 महीने से एक गड्ढा नहीं भरा गया, क्या देश का विकास होगा? अरे हद की बात है, अगर कोई आपत आ जाएगी इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये खड्डा ही नहीं भर सकते। एक ऐसी खबर है मेरे पास में, बताते टाइम भी हंसी आती है मेरे को, मात्र एक शहर के अंदर एक गड्ढा हो चुका है और 5 महीने से वो गड्ढा नहीं भरा, ये देख लो आप, ये इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, ये हुआ भी कहाँ पे, ये भी एक कमाल की बात है, पता है कहाँ पर? ये देखिए, ये रेलवे क्रॉसिंग है और ये रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल बराबर के अंदर ये खड्डा हो गया और उसी दिन से लगभग 5 महीने से ये रेलवे क्रॉसिंग बंद है। डिपार्टमेंट इतना जबरदस्त काम करता है कि पिछले 5 महीने से ये गड्ढा नहीं भरा गया, अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई बादल फट जाए, कुछ और अनहोनी हो जाए तो ये क्या संभालेंगे एक काम रखे। लेकिन एक खास बात है, अगर यही गड्ढा कमल गुप्ता जी के घर के बाहर हो जाता या फिर मेयर साहब के घर के बाहर हो जाता, किसी पार्षद के घर के एग्जैक्ट बाहर हो जाता, तो मात्र 1 या 2 दिन के अंदर यह गड्ढा भर जाना था। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये किसी पार्षद के घर के बाहर नहीं है, किसी मेयर के घर के बाहर नहीं है, किसी विधायक के घर के बाहर नहीं है, तो ये गड्ढा भरा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे जो परेशानी होती है वो होती है इन जैसे आम लोगों को। अब देखिए, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी तो है नहीं जो आम आदमी की सुने, वैसे तो ये भी कहते हैं हम आम व्यक्ति हैं, आम व्यक्तियों की सुनते हैं, लेकिन इन आम व्यक्तियों की सुनी गई है या फिर नहीं सुनी गई है? ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ से कैसे जाते होंगे, कितना डर लगता होगा, इनकी माता जी साथ में, मैम कैसे हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं कि इनका कोई काम नहीं है, रोज बोल देते हैं कल होगा, कल शुरू होगा होगा, हमें इतनी दिक्कत आती है, अगर उस फले फाटक में जाते हैं वहाँ पे भी कोई ट्रैफिक का अरेंजमेंट नहीं है, ट्रैफिक के लिए हमें खड़ा होना पड़ता है, ना लेफ्ट का पता ना राइट का पता, बस ऊपर ही सारे आ रहे हैं। एक बात बताइए, ये इतना बड़ा एक गड्ढा है रोड के बीचों बीच हो चुका है, 5 महीने से ये गड्ढा ऐसे ही पड़ा है, ये रोड पूरा का पूरा बंद है, इसको ठीक नहीं करवाया गया, अगर भगवान ना करे कुछ शहर के अंदर और अनहोनी हो जाए, ये संभाल पाएगी? बिल्कुल नहीं जी, अगर कोई आपत आ जाएगी इन लोगों के बस की बात नहीं है, ये खड्डा ही नहीं भर सकते। इतने महीने से हम लोग यहाँ पे कितनी बार बोल चुके हैं कि कराओ, हमारे छोटे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है, बस कभी इधर आती है कभी उस साइड आती है, हम तो सारा दिन इसी चक्कर में लगे रहते हैं। आपको बता देता हूँ, मेरी कमल गुप्ता जी से जब भी बात होती है ना, वो कहते हैं कि दीपेश जी हमने 370 तोड़वा दी, अब कश्मीर हमारा है, अब पाकिस्तान हमारी तरफ नजरें जो है वो उठाकर बात नहीं कर सकता, आप एक खड्डे को रो रहे हो, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दी, पड़ा कैसे रहने दिए जी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उनके घर के पास होती तो उनको पता लगता कि हम रोज इस प्रॉब्लम से कैसे फेस करते हैं। सुबह 7 बजे इधर बस आती है उस साइड, फिर हमें उस साइड से इस साइड आना पड़ता है, और उधर से ट्रेन का टाइम होता है, ट्रेन बीच में रुक जाती है, आधा घंटा हमें सफर करना पड़ता है। पाकिस्तान का जगह, पाकिस्तान हमको गुड़िया दिखाकर नहीं देख सकता, अब वो ज्यादा जरूरी था या फिर ये खड्डा बंद करना ज्यादा जरूरी? ये खड्डा ज्यादा जरूरी, शायद उनको नहीं पता। हाँ शायद भूल गए वो। हाँ जी भाई साहब, कब से ताऊ जी, कब से ये खड्डा ऐसे ही पड़ा है? ये खड्डा 5 महीने से पड़ा है जी, और कई बार कमल गुप्ता जी के पास जा लिए, सरदाना जी के पास जा लिए, हाँ होगा हाँ होगा, और मेन रोड है ये ऋषि बिहार की, ऋषि नगर की, और कहीं ऐसा तो नहीं है वो, कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, ये बातें बहुत बोली जाती है। हाँ उनको कई बार बता दिया गया, और आकर के भी उन्होंने एक बार देखा है इसको।
इन छोटी छोटी घटिया चीजों से ये बातें ना बोला जी शहर के अंदर रोड के ऊपर गड्ढा हो चुका है। अब मेरा ये लेवल रह गया है कि मैं गड्ढा उठा कर उनके पास में जाऊं कि मंत्री साहब आप नगर निकाय मंत्री हैं, ये देखिए आपके शहर के अंदर क्या हो गया। अब उनका ये स्टेटस रह गया, क्या वो खड्डे के ऊपर बातचीत करेंगे? बात तो करनी चाहिए उनको, बात बड़े विकास की होनी चाहिए ना, लेकिन अब खड्डों के ऊपर बात करेंगे। ऊपर हमने कई दफा सोचा कि हाँ मलबा गिरा के भर्ती कर दें, फिर हमने सोचा शायद हमारे ही सीवर रुकेंगे, हमें वो भी परेशानी हो। छो वाले भाई साहब खड़े हैं, एक बात तो बताओ ईशान नाश कड़िया और देखे भाई? तो फिलहाल होने ला रहा सारा ही इस फाटक पर देख रखे नाश, 7-5 महीने हो गए। देखो कमाल की बात तो ये है, जब तक है ना धरना नहीं लगाया जाए तब तक किसी के कानों के ऊपर जू नहीं रेंगती। हालांकि अनिल मेला ने भी आवाज उठाई थी इसको लेके और काम भी चालू हो गया था, फिर रुक गया, फिर यहाँ पे अब फिर देखो ये दो भाई लगा तो रखे हैं लेकिन कर्ण के लग रहे हैं कुछ नहीं पता। पिछले 5 महीने से ये एक खड्डा नहीं भरा गया पिछले 5 महीने से एक खड्डा नहीं भरा गया, क्या देश का विकास होगा? हद की बात है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, पिछले 5 महीने से एक खड्डा नहीं भरा गया, क्या विकास होगा? ये ना मंगल के ऊपर चांद के ऊपर पानी ढूंढ रही है, या नीचे देख ले कितना एक पानी। यहाँ तो उन्हें ना दिख नहीं रहा, वो तो चांद चांद की बात कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता हकीकत में क्या है, नीचे क्या है। लेकिन चांद पे नहीं देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए आदमी ने, भाई क्या चल रहा है। निकाय मंत्री भी है और आगे सामने रहते हैं लेकिन आते भी है जाते भी है लेकिन कुछ नहीं। कमल गुप्ता जी जो यहाँ से पूरे हरियाणा के नगर निकाय मंत्री हैं और विधायक हैं हिसार शहर से, इस पूरे शहर ने उनको एक तरफा वोट दे के जिताया वो भी 2 बार, कितना एक दूर मकान है उनकी, मकान से दूरी कितनी है इस खड्डे की उनके मकान? आधा किलोमीटर भी नहीं है, फिर भी उनको नहीं पता चला, क्या बात? सब पता है, बस लिपापोची कर रहे हैं। अच्छा मेयर साहब हैं, मेयर साहब के पास में भी गए होंगे आप एप्लीकेशन लेके? मेयर साहब के पास तो नहीं गए लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग में दे के आए थे और अभी भी मैं 4 तारीख को ये दे के आया हूँ, ये रही 4 तारीख रिसीव्ड भी करवा के लाया हूँ और साइन भी है। और आज मैंने यहाँ धरने पे भी बैठा था उनको उनको ये दे के भाई हम 2-3 दिन में अगर कर दिया ठीक है, नहीं तो आज धरने पे बैठेंगे। आज हम जैसे मैं धरने बैठे था 9:30 बजे वैसे ही आधा घंटा के बाद उन्होंने आदमी भेज दिया ठेकेदार ने और उस SDO ने, फिर फोन पे बात हुई है अनुला जी एक हफ्ता का हमारे को टाइम दे दो। चलो मैं इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ, कदे देखियो फिर मैं बातचीत करूँ और वो डिपार्टमेंट वाले भड़क जाए बोला जी सरकारी काम में बाधा डाल दी, डरदा घुनतारी बाधा थे, जितने केस लागे उतने लगवा लियो, खुली छूट है। हाँ धारा 188, 186, 290 जोन से भी व्याकरण नहीं सब लगवा देना, सरकारी काम में बाधा डालनी यही होती है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक नेचुरल बात करूँ, एक बार खड़े हो गए क्या, एक मिनट खड़े हो गए बात कर लो, मैंने नू बताया जो इसमें के कोई रॉकेट साइंस लगेगी के बढ़ने खातर के भाई चांद पे तो कोई वैज्ञानिक बुलाने पड़ते हो जब होता हूँ रॉकेट साइंस को लागे भाई जी? तो इसमें ठेकेदार बताओ मेरे को ठीक है, जो होगा मैं तो ये सेटिंग निकालूंगा गाटर निकालूंगा, ये काम है आपका। वैसे एक बात बताओ नेचुरल यो खड्डा कितनी देर का काम है भरना? नेचुरल भाई आगे जे काम चलेगा आगे ही नहीं, वैसे बताऊं जे अपने बालना आगे कोई खड्डा हो जाए कितनी एक देर में मान के चल तो एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। और जे यो किसी मंत्री या बालना हो जाता तो भाई साहब वो तो आप देखो बोले मेरे पे क्यों कुआ है, यह बात होगी। हाँ लेकिन सच्चाई है ये देख लियो, इतना बड़ा भी खड्डा नहीं है लेकिन ये छोटा भी नहीं है, इसको भरा जा सकता है और चंद मिनटों के अंदर भरा जा सकता है लेकिन भरेंगे नहीं, क्योंकि चक्कर पता क्या है, ना तो ये मेयर साहब के घर के आगे है, ना ये विधायक साहब के घर के आगे, किसी के घर के आगे है नहीं, इस वजह से लोगों को समस्या हो। तो देखिए 100 बार यो, हाँ अगर यहाँ से उनकी गाड़ियाँ टपती होती तो शायद ये ठीक हो जाता, अब गाड़ियों का यहाँ से आना जाना होता नहीं और सरकारी बसें या कुछ और निकलती नहीं अभी तक के, तो 15 या 20 रुपये बढ़ा देते, क्यों बढ़ाते नुकदे भाई वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक परेशान हो जाओ लेकिन इनके सरकारी तंत्र है वे परेशान नहीं। वैसे एक बात बताऊँ, जिस व्यक्ति के ये अंडर के अंदर आता है क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड नहीं होना चाहिए? अभी तक 5 महीने से वो बंदा इस डिपार्टमेंट का होकर इसको ठीक नहीं करवा पाया, क्या विकास करता हो, क्या काम करता होगा वो कुर्सी के ऊपर बैठा? ना कुछ ही को नहीं करता काम, ये देख लो एड जो के काम करा था, इसको बोलते हैं हद की और लिमिट की सीमा का
पार होना, उसके बावजूद भी अभी तक धरातल के ऊपर हालात ये हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो परेशान तो हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ उठाई भी गई, लेकिन उस हिसाब से वो लोग भी आगे देख के आँखें मूंद के चलते हैं, बोला जी अपने को क्या प्रॉब्लम है, ये तो ऐसे ही रहेगा। जब तक आप नहीं सुधरेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा, जब तक देश नहीं सुधरेगा तो भाई साहब ऐसे ही गड्ढे होंगे और 5-5 महीने तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको शेयर भी करें। अब लेवल ये रह चुका है कि हम इस गड्ढे की आवाज को लेकर मेयर साहब के पास में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, विधायक साहब के पास में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे। और मुद्दा जो है वो ऐसा नहीं है कि शहर के विकास को लेकर, बड़े विकास को लेकर, नगर निकाय को लेकर हो, साहब एक छोटे से गड्ढे को लेकर उनका भी टाइम की फजीहत करनी पड़ेगी और हमारे टाइम की फजीहत करनी पड़ेगी। मुद्दा जो है वो एक 2% के इस गड्ढे का है, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसको मात्र 1 घंटे के अंदर अगर ढंग से भरवाना के ऊपर आए ना तो भरवाया जा सकता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं भरा आप खुद बताइए। चलिए चलते हैं, अब वो भी चाहते हैं कि हमसे बात करें तो उनसे बात भी कर लेंगे, तो अगर वो अपनी बाइट देने के लिए तैयार हैं तो वीडियो आगे तक, नहीं तो जयराम जी की, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।